नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमने जो पिछली क्लास में आइसक्रीम बनाई थी उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एम प्रेस करके मटेरियल एडिटर को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दूंगा, तो ये मटेरियल इस पर असाइन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फाइल में जाके मैं यहाँ पर व्यू इमेज फाइल ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने एक आइसक्रीम का इमेज ले लिया उसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा डिफ्यूज़ में और यहाँ पर आई ड्रॉपर लेके इस कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी रफनेस हमें कर देनी है 0.5 के लगभग। इसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट में इसको थोड़ा सा 10-10 का रिफ्लेक्शन दे देना है। इसको RGB में 10-10 हमको इनपुट दे देना है यहाँ पर, और यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो यहाँ पर हम ग्लोसीनेस में 0.3 कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारे स्टिक है इस पर कोई दूसरा मटेरियल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम मटेरियल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस पर असाइन मटेरियल थ्रू सेलेक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफ्यूज़ में जाके बिटमैप सर्च करूँगा और वो फाइल सेलेक्ट करूंगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे, ये वाला टेक्सचर में इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मटेरियल अभी आया नहीं है, तो हम यहाँ पर शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मटेरियल आ जाएगा। ये हमारा मटेरियल सही से नहीं इस पर चढ़ा है, तो इसके लिए हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस मटेरियल पर जाकर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं मॉडिफाई लिस्ट में सर्च करूँगा UVW। तो यहाँ पर मैं UVW मैप इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको बॉक्स, ताकि ये सही से इस पर अप्लाई हो जाए। तो हमारा ये सही से अप्लाई हो गया इस पर। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी लाइटिंग सेटअप को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कैमरा बना दूंगा। कैमरे के लिए मैं यहाँ पर लेफ्ट व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर मैं वीरे कैमरा सेक्शन में जाके यहाँ पर वीरे को ओपन करूँगा और यहाँ पर वीरे फिजिकल कैमरा को यहाँ पर प्लेस ऐसे कर दूंगा। इसके बाद मैं जाऊँगा सी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर कैमरा व्यू में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्लेन लाइट बना देता हूँ। डब्ल्यू प्रेस करके इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे और इसके बाद इसको ई प्रेस करके इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा, तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो ओके कर लेता हूँ मैं। डब्ल्यू प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस साइड ले लूँगा मैं, और यहाँ पर मैं इन दोनों लाइट्स को डब्ल्यू प्रेस करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऊपर ले लूँगा। और यहाँ पर हम एक लाइट और बना देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, तो यहाँ पर एक लाइट हमारी और बन जाएगी। यहाँ पर मैं W प्रेस करूँगा और इसको सेट कर दूँगा यहाँ पर। इसके बाद हम कैमरा में चले जाते हैं और यहाँ पर हम ऑल्ट W कर देते हैं और यहाँ पर हम एक रेंडर निकाल के चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है इसका रेंडर। तो यहाँ पर इन लाइट्स की इंटेंसिटी कम है अभी, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। यहाँ पर मैं शिफ्ट एफ प्रेस करूँगा सेट फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे मैं डॉली कैमरा सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको जूम कर दिया थोड़ा सा। तो इसके बाद हम पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं एक बार और यहाँ पर लाइट चेक कर लेते हैं। तो लाइट हमारी ये वाली लाइट सही से नहीं है, तो यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस करेंगे हम और इन लाइटों को हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इन लाइटों को सेटअप कर देता हूँ सही से। तो हम सी प्रेस करते हैं कैमरा के लिए, एक वीरे प्लेन बना देता हूँ नीचे। तो मैंने यहाँ पर वीरे प्लेन बना दिया। अब मैं डब्ल्यू प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट करके लेफ्ट व्यू में जाऊँगा। तो पहले यहाँ पे मैं एंगल स्नैप ऑन करके इसको रोटेट कर दूँगा और यहाँ पर मैं नीचे इसको प्लेस कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी लाइट है इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा मैं, थोड़ा सा इसको सेट कर दूँगा मैं। और यहाँ पर इन लाइटों को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, तो इस लाइट को भी मैं थोड़ा सा पास ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन लाइटों को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 100 कर दूँगा और यहाँ पर थर्ड लाइट पर मैं थोड़ा कम कर दूँगा 90। तो यहाँ पर हम कैमरा में जाके इसका रेंडर निकाल के चेक कर देंगे एक बार। यहाँ पर हमें रेंडर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो लाइटिंग लगभग ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिट कैमरा ऑन करेंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ऐसे। तो हम इसका एंगल सही से सेट कर लेते हैं।
मैंने ये कुछ ऐसा एंगल सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर W प्रेस करूँगा मैं और इसको प्लेन को सेलेक्ट करके मटेरियल एडिटर में जाके यहाँ पर एक थर्ड मटेरियल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस प्लेन का कलर कुछ क्रीम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसा इसको येलो टोन डाल देता हूँ इसके अंदर, ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे दूंगा मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर इस मटेरियल को इस प्लेन पर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका एक बार रेंडर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा कुछ आया है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फाइनल रेंडर के लिए इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेंडर सेटअप में जाके यहाँ पर आउटपुट साइज में HDTV कर दूंगा नीचे की तरफ से। तो इसके बाद यहाँ पर रेंडर कर देते हैं हम इसको। तो मैं इस पर थोड़ी सी ग्लॉसीनेस और ऐड कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर M प्रेस करके मटेरियल एडिटर में जाके यहाँ पर इस एक बार इसको चेक कर लूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम रफनेस इसकी कर देते हैं 0.3, और यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ग्लॉसीनेस में यहाँ पर कर देंगे हम 0.6। तो हमारा अब ये सही लग रहा है। तो यहाँ पर अब इसको हम फाइनल रेंडर कर लेंगे। यहाँ पर हम रेंडर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारा फाइनल रेंडर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रेंडर होने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो धन्यवाद।